इस दिवाली के शुभ बेला में अपने मन का अंधकार मिटा और दीपों के त्योहार को मिठाइयां खाकर मनाएं। न्यूज़ पर भारत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली की शुरुआत हम एक छोटे से शायरी के साथ करते हैं। इस दिवाली एक दिया मोहब्बत का जला देना, इस दिवाली एक दिया मोहब्बत का जला देना, अपने जो रूट गए हैं उन्हें झुककर मना लेना। दिवाली भारतवर्ष में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। तो आज हम जानेंगे दिवाली क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, दिवाली मनाने का कारण क्या है और दिवाली का अर्थ क्या है। चलिए देखते हैं। दीपावली अर्थात रोशनी का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद पश्चात लौटे थे। दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण के वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वो रात्रि दीयों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। वहीं प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ लोग दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी का प्रतीक के रूप में मनाते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से सुखी रहते हैं। दीपावली का त्यौहार भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीद और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली पश्चिम में क्रिसमस के बराबर है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने व अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्यौहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दिवाली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से कलकत्ता में रोशनी के इस त्यौहार को काली पूजा के नाम से जाना जाता है। बंगाल राज्य में देवी काली को अत्यंत विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ पश्चिम बंगाल में प्रतिष्ठित किया जाता है। भक्तों ने मां काली का अत्यंत उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दिन बकरे की बलि दी जाती है और पूरे मोहल्ले के लोग पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं। अनुष्ठान और उत्सव देर रात तक जारी रहता है। हर कोई अपने घरों को रंगोली, दीयों, पीसे हुए चावल और बहुत कुछ के साथ सजाता है। उत्तर प्रदेश, अयोध्या, जिसे भगवान राम का घर माना जाता है और यहाँ का त्यौहार अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। वाराणसी में त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है और गंगा आरती की जाती है और पूरा वातावरण रोशनी से जगमगा उठता है। मिट्टी के दीप नदी में तैरते रहते हैं। जैसे ही पुजारियों के मंत्र सुनाए जाते हैं लोग अपने घरों के दीपकों को जलाना शुरू करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली के इस सबसे बड़े त्यौहार में इस त्यौहार को मनाना वाकई एक शानदार अनुभव होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे राज्य के इन हिस्सों में दिवाली मनाई जाती है। देश के इस विशेष उत्सव के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते हुए आप एक सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। भारत को सही मायने में त्यौहार का देश कहा जाता है और अगर कोई उत्सव के उत्साह को देखना चाहता है तो दिवाली राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने का सही समय है। इन सभी राज्यों के अलावा त्यौहार देश के अन्य राज्यों में समान उत्साह और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली।